देख सारा काजल निकल जाएगा, आज तो तैयार होके बैठ गए ना। हाँ काजल तो लगाया ना तूने? लगाया लगाया छोटा छोटा सा। एक्चुअली गाइस जो आपने पार्ट वन देखा है इस वीडियो का, वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल था, क्योंकि यू नो एक होता है ना कि आप एक किसी के सामने अपना दिल निकाल के रख देते हो, तो वैसा ही कुछ मेरे साथ था उस टाइम उस दिन। क्योंकि आप लोग जानते हो, जैसे कि आप लोग हमारी फैमिली हो, तो वो एक बात जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी था। एंड अगर मैं सीरियसली बोलूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा लाइट फील हुआ वो सारी चीज़ें शेयर करके, क्योंकि इतने सालों से वो सारी चीज़ें मेरे दिल में दबी हुई थी। और सॉरी उन सभी लोगों को, वैसे तो सभी लोगों को बहुत रोना आया उस वीडियो के बाद। एंड मैं अगर सच कहूँ तो मैं वीडियो शूट करने के बाद मैंने वो देखी भी नहीं है, सिर्फ मैं कमेंट्स रीड कर रही थी और उनको रीड करते करते ही मुझे रोना आ गया कि यू नो मुझे अपनी शक्ल याद आ गई। और आप लोगों का भी मैंने सोचा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपनी सिचुएशंस वहाँ पे बताई, अपने पेन वहाँ पे मुझे बताया कि ये चीज़ें हुई है, ऐसा ऐसा हुआ है, जिन्होंने भी अपनों को खोया है उन सब ने उस चीज़ को वहाँ पे बताया, तो वो सारी चीज़ें हुई। चलो इस बहाने सबने अपने अपने दर्द बांटे, और जैसा कि किसी ने कहा है कि दर्द बांटने से आपको हमेशा अच्छा लगता है, हल्का फील होता है, तो वैसा ही कुछ आप लोगों को भी फील हुआ होगा। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन गाइज। और उसके आगे मैं कुछ भी पेनफुल चीज़ आपको नहीं बताने वाली। मैंने एक जुलाई मंथ का आप लोगों को जिक्र किया था उसमें कि जुलाई मंथ मुझे उसके बाद बिल्कुल भी पसंद नहीं था, 2018 से, या फिर मैं कहूँगी 2019 से, क्योंकि एक एक्चुअल में जो था वो 2019 था। तो 2019 के बाद से जुलाई से मुझे बेहद प्यार हुआ 2019 की जुलाई से मुझे प्यार इसलिए हुआ क्योंकि 2019 में मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा शख्स आया जिसने मेरी लाइफ पूरी तरीके से चेंज कर दी, और जिसके होने ने मेरी ज़िंदगी की सारी कमियों को फुलफिल कर दिया। हाय गाइस, जैसे तो मेरे को जानते ही तो ये है मेरा चंदा, मेरा सूरज, मेरा तारा, मेरा सब कुछ, जिनके आने से मेरी जिंदगी की मैं ये बोल सकती हूँ कि मैं अपने सारे दुखों को बंदा मतलब होता है ना एक साइड कर देता है, तो इनको देख के मैं वो हर दुख भूल गई जो मैंने अपनी जिंदगी में फेस किए थे। और आज भी मैं अगर सच कहूँ तो मैं मेरी लाइफ में कभी भी कुछ भी आता है ना तो मैं इनकी तरफ देख लेती हूँ और वो सारी चीज़ें मतलब वहीं पर ख़त्म हो जाती है, क्योंकि मैं इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा खुश रखा है और हमेशा रखते हैं, और कभी भी मुझे दुख हो ऐसा कभी कुछ होता ही नहीं। तो थैंक यू सो मच मेरी ज़िंदगी में आने के लिए और मेरी ज़िंदगी को दोबारा खुशियों से भरने के लिए, और मेरी बेटी टेढ़ी हो गई थी ना लास्ट वीडियो में, बाद में मैं बहुत रो रही जा रही थी ना बार बार, तो वो मैं जब अपने यहाँ से पहुँच रही थी तो वो शायद इसलिए मतलब टेढ़ी हो गई होगी। तो मैं बता दूँ कि जब से ये बट मैं चाहती हूँ कि तू उसके बाद का जो अपना स्ट्रगल है वो शेयर करे, ये चाहते हैं ऐसा कि मैं आप लोगों को फिर से रुलाऊं। नहीं नहीं रुलाने उसमें रोने वाला कुछ है ही नहीं, स्ट्रगल हर किसी की लाइफ में होता है, देखो हर कोई बंदा स्ट्रगल कर ही रहा है। यस डेफिनेटली, तो आप लोगों को बहुत यू नो इच्छुक होते हैं आप हमारी लाइफ के स्ट्रगल जानने के बारे में, तो मैं चाहती हूँ कि ये फिलहाल अपने वाले शेयर करें। चलो एक दूसरे, मैं सोलो वीडियो बना रही थी, ये नहीं थे कमरे में तो मुझे इतना ज़्यादा वो लग रहा था, अभी बैठे साथ में अभी कहने स्ट्रगल बताओ। देखो ऐसा नहीं है, मेरा इंटेंशन किसी को भी हर्ट करने का नहीं है, और आज क्यों ना चलो एक चीज़ करते हैं, आज मैं बिल्कुल इमोशनल नहीं होगी और मैं स्ट्रगल भी बताऊंगी आप लोगों को, और आप उसको यू नो पॉजिटिवली लेके जाना, आपको मोटिवेट होना है उससे कि लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम आए। और मैं आपको एक बहुत बड़ी बात भी बताऊंगी अपने बारे में, आप बोलते हो ना बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं आप इतने मोटिवेट कैसे रहते हो, इतनी सारी चीज़ें कैसे करते हो, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में जैसे कि बताया था कि हम मतलब मैं अपने पापा को खो चुकी थी उसके बाद। तो हर किसी की लाइफ में ऐसा होता है कि आपकी फैमिली होती है, रिलेटिव्स होते हैं, आपके अपने घर वाले होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जब एक वीक टाइम आता है ना, जब एक ऐसा टाइम आता है जब आपको ज़रूरत होती है, या फिर मैं कहूँ कि एक ऐसा टाइम आता है जब दिखाई देता है कि अपने कितने अपने हैं, तो उस टाइम पर अपनों की लिस्ट में कोई भी अपना नहीं था, सिर्फ मेरी माँ, मेरा छोटा भाई जो कि मुझसे 2.5 साल छोटा है, और मैं, हम तीनों ही लोग थे। और मैं लास्ट वीडियो में बोल नहीं पाई क्योंकि मुझे रोना आ गया था बहुत ज़्यादा, और उन्होंने फिर कट भी किया वहाँ से बुलाई। तो मैं आपको बता दूँ कि इतना ज़्यादा स्ट्रगल था कि एक एक वीक तक हम लोग तीनों भूखे रहते थे, हम सेकेंड फ्लोर पर रहते थे, एक एक हफ्ते हम खाना नहीं खाते थे। और आज भी मुझे एक बात याद है, इनको भी नहीं पता, हमारे नेबर्स जो थे, हमारे नेबर्स हुआ करते थे, हमारे नीचे ना एक गायें होती थी, काफ़ी पहले गायें होती थी हमारे यहाँ पे, इनको नहीं पता,
तो वो वहां पे ना गाय को कुछ डालने के लिए आए थे, मतलब उनको जैसे गाय को कुछ देने आ जाते हैं, कुछ भी देने आते हैं। तो मुझे याद है वो आंटी गाय को कुछ डालने आई थी, मम्मी मेरी नीचे थी, मेरी मम्मी ने उनसे वो लिया और मुझे याद नहीं है वो रोटी थी पराठा था क्या था, वो रात की रोटी थी शायद, उन्होंने वो हमें हाफ हाफ करके मेरे को और मेरे भाई को खिलाया। वो मतलब मुझे तो दर्द होता है सुन के, इमोशनल सा भी फील होता है, रोना नहीं है तुझे। बाबू यार मुझे याद मत करवाया करो। अच्छा ऐसी चीजें मत बताना, थोड़ा सा शॉर्ट में। तो ये भी एक यू नो स्ट्रगल ही था। लाइफ का ठंडा लग रहा है, पैरों पे डाल लेती हूँ चुन्नी। ये भी एक स्ट्रगल ही था लाइफ का। तो बहुत इसके अलावा भी बहुत कुछ हुआ है, स्टडीज थी हमारी, मेरी मम्मी मतलब एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी उस टाइम पे, गांव से था सारा, तो हमारे यहाँ कपड़े वपड़े लेना देना बहुत चलता है। तो मेरी मम्मी के पास जो हमारी स्कूल फीस भरने के लिए पैसे नहीं होते, तो मेरी मम्मी जो हमारे मेरे नैनीहाल से कपड़े मिलते थे, सूट सूट्स मिलते थे ना, अनस्टिच सूट्स मिलते हैं, जो अनस्टिच सूट होते हैं, तो वो फीस के बदले टीचर्स को हमेशा वो देती थी जब वो एक स्ट्रगलिंग पीरियड चल रहा था हमारा। तो वैसे वैसे हमारी स्टडीज हुई है। बाबू रोना नहीं है, चुप चुप देख सारा काजल निकल जाएगा, आज तो तैयार होके बैठ गए ना। हाँ काजल तो लगाया ना तूने, लगाया लगाया छोटा छोटा सा। ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते, चुप मैं बोल, रोना आ जाएगा ना फिर, ऐसे नहीं करते, चुप एकदम, चुप चुप एकदम। मैंने बोला था कि हैप्पी हैप्पी वीडियो बनाऊंगी। अच्छा हैप्पी हैप्पी, अच्छा नहीं बताते, नहीं गाइस कुछ नहीं है, कुछ भी स्ट्रगल नहीं था, कुछ नहीं बताएंगे अब। ओहो पारस वाली बीबी क्रीम हट गई सारी। ऐसे ही खत्म होने वाली है वो। हाँ कुछ नहीं बताएंगे, कुछ नहीं बताएंगे, चलो शॉर्ट में, मैंने तो बोला शॉर्ट में बता, ये चीजें मत बता। शॉर्ट में ही तो टाइम है। हाँ ज्यादा भी तो टाइम, वो तो टाइम भी नहीं। कोई बात नहीं, मत बता, चल 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 चल। फिर उसके बाद हम थोड़े और बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, ऐसे हमारी लाइफ चलती रही। उसके बाद मेरी मतलब हमारा थोड़ा सा जब मतलब सही हुआ, तो मतलब थोड़ा नॉर्मल, मतलब जब हम एक प्रॉपर खाना खा सके 2 टाइम का 3 टाइम का। उसके बाद जो मंदिर में पूजा होती है, रुई की बत्तियां बनती है कॉटन वाली, जिनसे दिए जलता है, हम लोग, मैं मेरी मम्मी और मेरा भाई, मैं और मेरी मम्मी बनाते थे, और मेरा भाई तब छोटा ही था, हम आसपास की शॉप्स पे उसको यू नो सेल करने जाते थे। तो मेरा ब्रदर तो खैर छोटा ही था उस टाइम पे, उसके पास एक साइकिल हुआ करती थी। उसके बाद हमने जो सीवनियाँ होती हैं, सिवैयाँ होती हैं, जो जवे आप लोगों ने सुना होगा, जवे होते थे वो, हम रात रात भर बैठ के वो जवे तोड़ते थे, मैं और मम्मी। और मुझे याद है उस टाइम पे भी 20 या 25 रुपए किलो वो बिकते थे, और मैदे का भी कुछ प्राइस होता ही होगा, मुझे याद नहीं है। तो हम एक एक दिन में 3-3, 4-4 किलो पूरी पूरी रात बैठे रहते थे मम्मी और मैं, और हम वो तोड़ के और वो बेचते थे घर घर जाके, मतलब घर घर इन द सेंस आस पड़ोस में अपने, जो भी जितने बोलता था तो वही रात रात भर बैठे रहते थे। बहुत बार ऐसा होता था कि नींदों में भी ऐसे ऐसे हाथ छूलते रहते थे हमारे, क्योंकि जवे जो होते हैं ना वो हाथ से टूटते हैं, जो सीवनियाँ होती हैं उसकी मशीन होती है, तो स्पेशली हम जवे तोड़ते थे। तो ऐसे कुछ हमारी स्ट्रगलिंग लाइफ कटी है, बहुत ही यू नो बहुत सारा पेनफुल तरीके से कटी है वो जिंदगी, बट मेरी माँ ने बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल किया, और स्ट्रगल से हमें पाला है और यहाँ तक पहुँचा दिया। इसलिए मैं कभी भी मेरी माँ को कभी भी छोड़ना नहीं चाहती थी, कभी भी मैंने छोड़ा नहीं है उनको, चाहे हमारे रिलेशन के डिस्क्लोज करने के बाद उन्होंने बहुत टाइम तक मेरे से बात नहीं की, क्योंकि उनको लगा कि मतलब उनको क्या लगता है कि मैं ही एक उनकी उम्मीद हूँ, क्योंकि मेरा ब्रदर थोड़ा सा यू नो नेचर थोड़ा सा रूड है, तो यू नो मेरे साथ कनेक्शन थोड़ा है मेरी मदर का ज़्यादा, तो हर तरीके से शेयर कर लेती है चीज़ें वो, भाई के साथ वैसा नहीं है, तो उनको ये लगता है कि मतलब यू नो मैंने ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। उनके हिसाब से वो सही है, उनको ये लगा था उस टाइम के लिए, हालांकि आज ऐसा कुछ भी नहीं है। आज वो कहती हैं कि पायल से बेहतर तेरे लिए और कोई नहीं हो सकता, अच्छा पायल से बेहतर तेरे लिए ये जो घर है वो उससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता, तो तेरी फैमिली बहुत अच्छी मिली है, तूने बहुत अच्छा परिवार चुना है अपने लिए, और ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे से भी ज्यादा वो आज के टाइम में इनको मानती है, और मुझे बहुत खुशी है। और इवन मेरे सामने ये वो चीज़ नहीं बोलती, वो सबके सामने ये चीज़ बोलती है, चाहे हमारे रिलेटिव्स हो, चाहे हमारे घर वाले हो, पड़ोसी हो, कोई भी हो, वो कहती है कि मेरी बेटी ने अपने लिए बहुत अच्छा जीवन साथी चुना है, क्योंकि वो उसके साथ खुश है, इसलिए मैं खुश हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और उनको कभी भी किसी चीज़ से अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे ये चाहिए था कि उनको कोई दिक्कत ना हो, मेरे को दुनिया से कोई मतलब नहीं था, दुनिया से मुझे आज भी कोई लेना देना नहीं है, मुझे मेरी माँ का खुश होना ज्यादा जरूरी लगता है कि वो खुश रहे, वो चीजों को एक्सेप्ट करे, और एक्सेप्ट जबरदस्ती नहीं, मैं खुशी से चाहती थी एक्सेप्ट करे जो उन्होंने किया है। तो मुझे अच्छा लगता है जब वो मेरे इन लॉज को इन लॉज कह के ही बात मुझसे करती हैं, हालांकि
हाँ मतलब कोई भी बात करती हूँ ना तो अच्छा मम्मी का पापा ऐसे बोल रहे थे, अच्छा ठीक है ससुर ऐसे बोल रहे थे तेरे, तो मेरे को बड़ा दिल को बड़ी ठंडक सी पहुँचती है, चलो एक्सेप्टेंस है तभी उन्होंने बोला ऐसा, तो अच्छा लगता है फाइनली। और मैं जब तक हूँ तब तक तो मैं खैर हमेशा ही उनके साथ खड़ी हूँ कैसा भी रहे, क्योंकि और हाँ एक चीज़ मैं आपको बता दूँ जो मैं हमेशा अपनी ज़िंदगी में लेके चली हूँ, और क्योंकि बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि आप बहुत डाउन टू अर्थ हो, हम दोनों को ही बोलते हैं, इनका डाउन टू अर्थ होने का तो मुझे बेसिक एक पता नहीं है क्या स्लोगन होगा, लेकिन मेरे डाउन टू अर्थ होने में एक चीज़ है, क्योंकि जिस यशविका को आज आप देख रहे हो वो उसका एक निकनेम है टीनू घर पे, जिसको टीनू टीनू बोलते हैं सब, मेरी मम्मी मुझे टीनू बोलती हैं। वो एक ऐसी लड़की थी जो अपने घर स्कूल के 500 मीटर दूर तक भी अकेले नहीं जा सकती, इतना डर लगता था उसको, कभी वो स्कूल गई ही नहीं है। मैं कॉलेज भी अपने फ्रेंड्स के साथ जाती थी कॉलेज बस में उनके साथ, कि कोई लेने आएगा हाथ पकड़ के चढ़ाएगा बस में। और मैंने कैसे याद किया कि प्राइवेट और गवर्नमेंट बस में क्या फर्क होता है, मेरे को समझाया था मेरे एक कजन ब्रदर ने, कि जो गवर्नमेंट बस होती है ना उसमें ना यूके ऐसे करके नंबर लिखा होता है, यूके करके लिखा ऐसे उत्तराखंड परिवहन परिवहन निगम लिखा रहता है उस पे, जिसपे उत्तराखंड परिवहन निगम लिखा रहेगा तो वो गवर्नमेंट बस होगी, और जो बाकी वो कलरफुल सी बस होती है वो प्राइवेट बस होगी। जैसे मुझे अपने हरिद्वार के नियरेस्ट रुड़की है वहां जाना है किसी काम से, कोई काम हुआ या देहरादून हुआ, और जब बस में मैंने शुरू शुरू में ट्रैवल किया था ना तो मुझे ऐसा लगा पता नहीं मेरी कौन सी वर्ल्ड वॉर जीत ली है, बात तो बस में ट्रैवल कर लिया अकेले घर आ गई हूँ मैं, मतलब समझ रहे हो, तो वो एक वो फील आना शुरू हो जाता है ना देखो कि नहीं भाई अब मैं घर से बाहर आ गई हूँ, मैं चीजें कर सकती हूँ, ठीक है। और मैंने जब जॉब शुरू की तो जॉब में भी मेरा फर्स्ट जॉब जो बैंकिंग का था उसमें मुझे बहुत ज्यादा सेक्सुअल हरासमेंट मिली थी, उसके लिए मैं कभी अलग से एक स्टोरी स्टोरी मतलब जो था वो बताऊंगी, बट मैं आपको बता रही हूँ कि स्ट्रगलिंग, अगर स्ट्रगलिंग की बात कर रहे हैं हम, स्ट्रगल की बात कर रहे हैं, तो यस वहां पे भी मुझे एक सेक्सुअल हरासमेंट मिली थी बहुत ज्यादा। अलग से बनाऊंगी मैं इस पे वीडियो, तो हमें इस पे बनाना भी था एक्चुअली। एक्चुअली मैंने पहले भी बोला था कि इस पे बनानी है मैंने, तो ये भी हुआ है वो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से क्या हुआ था, बट वो एक अलग से टॉपिक बनाऊंगी। तो कुछ इस तरीके से जिंदगी चली है मेरी, और बहुत ही छोटे से घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी। और हाँ नहीं, पहले मैं अपना वो मेन स्लोगन बताने वाली हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बताना, कभी भी आपको अगर अपने आप पे, आप भी सुनना बहुत गौर से ये बात, ये मेरे दिल में है, ऐसा नहीं है कि मैंने मतलब कुछ डायलॉग कहीं से इन्वेंट करके चीजें कर ली, अगर कभी भी आपको अपने आप पे गुरूर आने लगे ना किसी बात का, बहुत घमंड आने लगे किसी चीज का, आपको लगे कि बस मैं ही मैं हूँ दुनिया में, या मैं यहाँ पहुंच गया, किसी भी चीज को आपको देख के ऐसा लगे कि आप सामने वाले को अपने से नीचा समझ रहे हो, तो बस एक बार ना अपनी लाइफ का कोई भी स्ट्रगलिंग पीरियड याद कर लेना, अपना बुरा वक्त याद कर लेना, जो भी आपने अपनी लाइफ में बुरा वक्त जिया है ना वो याद कर लेना, आप कभी भी अपने आप पे घमंड नहीं कर पाओगे, या जिंदगी में कभी आप घमंड नहीं कर पाओगे। मेरी लाइफ का तो एक ही फंडा है, जब भी मुझे लगता है ना कि हाँ चीजें बहुत आगे बढ़ गई है या मैं कहीं पहुंच गई हूँ, तो जब मैं पहुंच गई होती है ना वो मेरे दिमाग में पॉजिटिवली रहता है, वो नेगेटिवली कभी नहीं रहता, क्योंकि मेरे दिमाग में वो सारी चीजें रहती हैं जो मैंने आपको वो टाइम बताया ना, वो पीरियड बताया 8 दिन तक भूखे रहने का, या वो जो मेरी मम्मी ने हमें पानी में डुबा डुबा के पार्ले जी के बिस्किट्स भी खिलाए हैं, वो भी एक टाइम था, तो वो मैं सारी चीजें दिमाग में रखती हूँ कि वो भी टाइम था और एक आज भी ये भी टाइम है, जो मेरी डाइट आती है एक एक दिन की 1000 रुपए की, तो वो भी एक टाइम है। तो कभी भी आपको किसी चीज का गुरूर नहीं करना है, ये मैं अपने लाइफ के बहुत 30 साल के ट्रू एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ कि जिंदगी कब कहाँ क्या मोड ले ले कुछ नहीं पता। जो लोग कभी 15 साल 17 साल पहले हमसे बात नहीं करते थे, हमारी तरफ देखते नहीं थे कि अरे इनके पास तो कुछ नहीं है, ये क्या करेंगे, गरीब हैं, मतलब बहुत तो लोग होते हैं यार उनको लगता है कि हमारा लेवल नहीं है इनसे बात करने का, या ये हमारे स्टैंडर्ड को मैच नहीं करते, आज उनके सामने से फोन आते हैं हमें वो बात अलग है कि हम नमस्ते करके साइड कर देते हैं। तो जोक से पार्ट गाइस, मैं जस्ट एक बात बता रही थी, और ये लाइफ कि बहुत बड़ी सच्चाई है, तो स्ट्रगल तो देखो हर किसी की लाइफ में रहता है, मैं ये नहीं कह रही कि मेरी लाइफ में स्ट्रगल था, सबकी जिंदगी में होता है, लेकिन आप उससे फाइट करो और निकल जाओ और वहां पहुंचो जहां लोग आपको सोच भी नहीं सकते। तो स्ट्रगल तो चलो बस इतना ही, इस पे खत्म करती हूँ मैं। और अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि नन्नू कौन है। मैं आपको बताया कि मेरा एक छोटा भाई है, मुझसे 2.5 साल छोटा है, और उससे उसने आज से 8 साल पहले लव मैरिज की थी अपनी मर्जी से, 2014 में एक लव मैरिज की थी, 14 से अब तक 22 वही हो गए ना, हाँ तो मतलब वही 8-9 साल हो गए। तो लव मैरिज हुई थी मेरे ब्रदर की, तो लव मैरिज होते हैं तो आपको पता ही कि चीज़ें भी खराब होती हैं, तो 1-2 साल उनका अच्छा चला, फिर मेरी जो भाभी हैं वो अपने घर पे मतलब चली गई, आपस में उनका नहीं बैठ रहा था, उसके बाद वो उनको फिर एक बेटी भी है,
और फिर वो बेटी यहाँ से जब अप्रॉक्स 3-3.5 साल की थी तब वो अपनी मदर के साथ ही रहने लग गई, क्योंकि वो अपनी नानी के साथ रहती थी, क्योंकि भाई और उनकी बॉन्डिंग का थोड़ा सा यू नो आपस में जो भी चीज़ें चलती हैं आपस में था उनका, बट वो यहाँ पे नहीं रहते थे, लाइक हरिद्वार में नहीं रहते थे, भाई से बीच बीच में बातें होती रहती थी, कभी नहीं होती थी, कभी वो चले जाता था, कभी वो आ जाती थी, तो इस तरीके से चलती रही चीज़ें। और अब फाइनली क्या हुआ कि फाइनली वो अब हरिद्वार मम्मी के साथ रहने आए भाई एंड बच्ची, सॉरी भाभी एंड बच्ची। तो अब जो वो बच्ची है उसका फाइनली मैंने एडमिशन यहाँ पे कराया है, नन्नू वही है, नन्नू मेरी भतीजी है, मेरे ब्रदर की बेटी, इसलिए आपको उसकी हरकतें मेरी हरकतें सेम सी लग रही होंगी, क्योंकि वो मेरी भी माँ है दिमाग खराब करने में। तो बेसिकली उसका नाम मैंने रखा था, नाम क्या रखा है मैंने उसका, श्रेयशी, बट भारी सा नाम रख दिया मैंने उसका, उसका नाम रखा है श्रेयशी, श्रेयशी दत्त। तो वो है और मुझे नहीं पता था वो इतनी क्रिएटिव निकलेगी, हाइट आप उसकी देख ही रहे हो, वो 6 साल की है सिर्फ, हाइट उसने बहुत ज़्यादा ले ली क्योंकि मेरे भाई की हाइट भी अच्छी है और मेरी हाइट भी ठीक ठाक ही है, नॉर्मल हाइट तो है ही है मेरे पास। तो अब आप लोगों को पता चल चुका है कि नन्नू वो है, तो नन्नू हमारे पास कुछ टाइम के लिए है, कुछ टाइम तक रहेगी वो हमारे साथ रहेगी, मतलब यहीं पे, हालांकि एडमिशन मैंने यहीं कराया उसका, लेकिन हमारे साथ कुछ टाइम तक रहेगी। सो अब आपको पता चल चुका है कि वो कौन है, तो हमारे घर में जो माहौल है वो बड़ा ही यू नो हॉजपॉज टाइप का हो चुका है, 6 बजे उठना पड़ता है, 6 बजे उठना पड़ता है क्योंकि उसका स्कूल है, और स्कूल में फटाफट उसकी मम्मी अभी तो आई हुई है तो रेडी करती है उसको, इतना मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ उसका, फिर उसका टिफिन लगाती हूँ, इतना वो रेडी करके नीचे लेके आती है, फिर ये स्कूल छोड़ने जाते हैं। मैं जब आती हूँ उसके बाद मैं थोड़ी देर बैठती हूँ, ऐसा लगता है बज गए 12:30, मतलब 12 बज गए, मैं 12 बजे निकलती हूँ, आधा घंटा लगता है मुझे, 12:30 फिर छुट्टी होती है उसके, फिर उसको लेके आना, उसके बाद वो घमासान मचा देती है। आजकल 2 दिन से जब से मैं स्कूल छोड़ने जा रही हूँ ना, 2 दिन से बहुत ज्यादा मिट्टी हो रही है, आप वो क्या कहते हैं कि बन के जाएगा, 2-3 पिंपल निकल गए मेरे यहाँ, और अभी वो छोटी भी है और यहाँ पे हम किसी को वो भी नहीं कर रहे, तो हम उसकी बस वगैरह नहीं लगा रहे अभी, क्योंकि थोड़ा सा डर लगता ही है, अभी छोटी भी है, नई जगह है, इतना नहीं वो है, तो अभी यही जा रहे हैं छोड़ने, बाकी थोड़े टाइम के लिए है वो, एंड देखते हैं उसकी मस्तियाँ चलती रहती हैं यहाँ पे, कलर बार खोल के अपने जो भी होते हैं वो स्टडी टेबल लगा के। हाँ, एक चीज और मैं बता दूँ, एक चीज और मैं बता दूँ कि कुछ लोगों ने ये कमेंट किया था कि हमें सिर्फ आपको देखना है, हमें सिर्फ आपको देखना, तो कलकत्ता में बच्चा बोल दिया तो क्या नहीं देखोगे उसे, तो मतलब वो चीज मुझे अच्छी नहीं लगी, कलकत्ता में नहीं देखोगे आप उसे, मैं प्रिटेंड नहीं कर सकते ना कि हमें नहीं नहीं हमें सभी अच्छा लगता है, वो चीज हमें अच्छी नहीं लगी, क्योंकि आप खुद सोचो ना कलकत्ता में अगर हम कोई बच्चा गोद लेते हैं तो फिर और उसको हम दिखा दे, तो आप क्या कहोगे कि नहीं हमें नहीं देखना होगा, ऐसे थोड़ी ना होता है यार। अब डेली व्लॉग्स में तो हम जो हमारे साथ है जो चीज हमारे फैमिली का मतलब फैमिली होता है ना, देखो पापा को हम इसलिए नहीं दिखा पाते क्योंकि पापा सुबह जल्दी चले जाते हैं, चीना को मशीन दिखाते क्योंकि वो कैमरा फेस नहीं कर पाती, रही मुस्कान और डिम्पी की बात, मुस्कान भी अपने काम में रहती है थोड़ा सा, और फिर यू नो देखो हम कैमरा पे सोशली है, हर कोई सोशल नहीं है ना फैमिली में, तो उनको बड़ा ऐसा लगता है डिम्पी थोड़ा शॉप पे चला जाता है, तो फिर अब जो दिखेगा उसको तो फिर दिखाना ही पड़ेगा ना, और स्पेशली आप अगर कल के टाइम, बिल्कुल सही बोले कि अगर कल के टाइम में कोई बच्चा अडॉप्ट करते हैं जो कि करेंगे, तो फिर मतलब क्या आप बोलोगे कि इसको मत दिखाओ, फिर हमें अच्छा थोड़ी लगेगा, ऐसे थोड़ी बोलोगे यार, आप ऐसे थोड़ी बोल सकते हो, और वैसे वो भी श्रेयसी दत्त है, यशविका दत्त को देख रहे हो तो फिर देखो थोड़ा तो देखना पड़ेगा, हम जेल रहे हैं थोड़ा, तुम कैसे सुकून से जी सकते हो, बल्कि वो मुझे मेरा चैन सुकून तो मैं छीनूंगी, बल्कि वो मुझे क्या पता है क्या कहती है, कल मैंने उसके साथ प्रैंक किया ना, वो मुझे आईडी देती है, अपन टीनू बुई के साथ प्रैंक करेंगे, मुझे पता है कि रात को बुई आप सोने की एक्टिंग करो हम वीडियो बनाएंगे, कल कहती है मेरे को रात को बुई आप सोने की एक्टिंग करो हम वीडियो बनाएंगे, जीने आराम कर रखा है उसने, रात को उसको बोलो सो जाओ सो जाओ, सो तो रही हूँ अब, सोने दोगे बात है उसकी, डर और लगता है, नन्नू क्या है, कभी कभी तो मन करते गौर पे थप्पड़ मारू के जाके, फिर सोचती हूँ उसकी मम्मी चल जाएगी फिर मारूंगी, मम्मी वीडियो भी देखेगी तो क्या हुआ, मैंने उसकी मम्मी को पहले बोलते, मैंने कहा ऐसे नहीं, तो गाइस लाड़ लड़ाने वाली हूँ, ऑलमोस्ट बहुत बड़ी हो चुकी है 20 मिनट की, तो यही था, मतलब आप समझ ही गए, इतना बताने से आप समझ गए होगे कि कैसी रही है लाइफ यशु, और रही बात मेरी, तो मेरी जिंदगी में कोई खास स्ट्रगल रहे नहीं, नहीं चाहिए आपकी, मेरी जिंदगी में कोई स्ट्रगल नहीं रहा है, अगर मेरी जिंदगी में कोई स्ट्रगल होता तो मैं आज पता नहीं कहाँ पे होती, वही है ना, मिलता है तो कदर नहीं होती, ये जो नहीं मिलता अब मिल रहा है ना, इतनी स्ट्रगल करके लड़की मिल रही है ना ये, इसी कदर कर लो, मिली हुई है ना ये, हाँ बस ही कदर कर लो, अब तो कम से कम डिजर्व करती हूँ मैं थोड़ा बहुत प्यार, अब तो डिजर्व कर सकती हूँ ना मैं अपनी जिंदगी में सुख, अब तो क्या जैसे मुझे तो पता ही नहीं थी ये चीजें है ना, बहुत सारी चीज ये तो मैंने कभी भी नहीं बताया, कौन सा बताया ये वाला बताया मैंने, खुद याद बताया वो कॉफी तो
सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड यस यशस मकबैंग भी जल्दी वीडियो आने वाला है क्योंकि अब मैं ही सिर्फ शूट करूंगी और क्या पता आपको नन्नू के साथ भी मेरा मकबैंग दिखे तो थैंक यू सो मच. अच्छा कमेंट करके बताना कि नन्नू के साथ मकबैंग देखना चाहते हो कि नहीं. मैं तभी शूट करूंगी और ऐसा नहीं है कि मकबैंग है तो उसको मैं भर भर के खिलाऊंगी. वैसे उसकी डाइट अच्छी है लेकिन ऐसा नहीं है जितना वो खाना चाहे खाना चाहेगी उतना ही वो खाएगी. जितना वो खाना चाहे वो उतना ही खाती है इसलिए आपको अच्छा लगेगा. बस एक कॉम्पिटिशन रहेगा तो चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज. लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना सारा कुछ कर देना यार बहुत कम व्यूज. अगर आप ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस जो मेरी रियल लाइफ से यू नो इंस्पायर्ड है देखना चाहते हो तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा यशस व्लॉग्स को और उसको शेयर भी करना पड़ेगा क्योंकि देखो बहुत सारे लोग होते हैं बहुत सारी चीजें लोग बनाते हैं. मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ. मैं यूट्यूब भी देखती हूँ मतलब कम देखती हूँ लेकिन मुझे ज्यादा अच्छा लगता है कि आप अपने रियल एक्सपीरियंसेस आप भी कैसे रहे हैं रियल क्योंकि जो आप रियल जो आप फेस कर चुके जब आप वो चीज बता रहे होते हो ना तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हो. आप चीजों को ज्यादा समझ पाते हो. आपको पता होता है आप क्या बोल रहे हो और आपने उस चीज के पीछे आपके इमोशंस क्या है. और मुझे ऐसा लगता है कि जिस चीज के पीछे मेरे जो इमोशंस होते हैं ना वो बिल्कुल एग्जैक्ट निकल के आते हैं कैमरा के सामने. अगर मैं अपनी बात किसी के सामने रखने चलूँ ना तो वहां नहीं निकलते वहां तो उल्टा ही पास हो जाता है. मैं क्या ना कुछ चाहती हूँ कुछ और जाता है उल्टा ही हो जाता है वहां पे कुछ है ना. किसी को मैं समझाना चाहूँ ना कुछ ऐसे घर में मतलब कहीं भी ऐसे ऐसे नहीं ऐसे उल्टा ही पड़ जाएगा वो. सही बता रही हूँ मैं. हाँ चलो करे फिर. मैं बता रही हूँ गाइस मेंस करने का भी टाइम नहीं मिल रहा. चुप रह. नन्नू चलो गाइस हम दोनों यहाँ पे सोते होते हैं ना रात को बेचारे मतलब तो नन्नू उठ के नहीं हूँ वही सोया नहीं आपको अभी तक. चलो गाइस बाय बाय.